हेलो गाइस, मैं हिंदी लैंग्वेज यूज़ करने वाला बिकॉज आई वांट टू स्टैंड अप. इंग्लिश में अच्छा नहीं थी. सो यू गाइस, तुमको टेंथ से पीयू को जाने का ये याद है ना? लाइक वो फीलिंग कैसा था? लाइक अभी फुल टेंथ में पूरा जैसे कि फुल अभी पीयू लाइफ में जाएंगे, काला ड्रेस पहनेंगे, माहौल पूरा अच्छा रहेगा वैसे वो रहता था ना. मेरा तो अलग ही था. जब मैं गया मेरी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, कॉलेज का नाम नहीं लूँगा क्योंकि नहीं बोलना है. मैं जो कॉलेज में गया वो लड़कियों का कॉलेज था, वो कोविड हो तो मैं गया तो एक्सपेक्टेशन था लड़के रहेंगे, पर इतना नहीं था कि ऐसे रहेंगे. गया तो सिर्फ चार लड़के. कितने लड़कियाँ थी क्लास में? 96. 100 टोटल स्ट्रेंथ का क्लास, उसमें चार दो थे बुक वर्म्स. हमेशा बुक पढ़ते रहते थे ऐसे ऐसे थे, उनको क्वांटम का मीनिंग भी नहीं पता था वैसे. फिर आके और जो थे लाइक वो तो रहते ना टपोरी टाइप, मैं हूँ एवरेज ना वहाँ का ना इधर का. मिडिल बेंचर जानते हो ना, उधर भी नहीं, सामने का भी इंफॉर्मेशन बीच का भी इंफॉर्मेशन. बट कॉलेज में आके फर्स्ट बेंच में डाल दिया. स्कूल में पूरा लास्ट बेंच में बिठा के फर्स्ट बेंच में चारों को देखा. टीचर को नाम भी याद नहीं रहता, कम लड़के रहेंगे. फिर आके हम थे लड़कियों को ऑप्शन ज़्यादा, लाइक ऑप्शन मीन कम ऑप्शन, हम लड़कों को ज़्यादा सर. हम जाते तो क्लास में फिर पूरे टाटते. हम लड़कियों को ताड़ना तो उल्टा लड़के हमको ताड़ते, ऐसा सिचुएशन है. फिर हम रेटिंग नहीं देते थे, वो लोग हमको रेटिंग देते थे. हम तो एक्सपेक्ट किए थे हम जाके रेटिंग देंगे 10 में से कितने, वो आके हमें 10 में से 7-8 दे देते. उनको ऑप्शन भी नहीं, 5 से कम भी नहीं दे सकते, हम रिजेक्ट कर देंगे. फिर आके मुझको तो नाम भी पता नहीं था. रक्षिता मतलब चार रक्षिता, कोसी रक्षिता, ये कोस की वो कोस की, मैं कुछ रक्षिता जानते हो, मैं कोसी करके पूछता था. फिर आके लाइक एथनिक वो वीकली कुछ फंक्शन रहता था, ट्रेडिशनल डे, एथनिक डे, वो शैतान बन के आते हैं ना, क्या हाँ हेलो हेलो, मैं बना वैम्पायर. वहाँ देखो तो पूरे शैतानी आ गए मेरे पास. उसको उसमें भी फ़ोटो चाहिए वैम्पायर बन होते तो या फोटोज़ का. मेरे फोटोज नहीं लेते उन्होंने, मेरे होते ले लिए. फिर आके उस कॉलेज में क्या, वन ईयर में बहुत हुआ, सेकेंड व्यू नहीं था, कोविड था ना, बंद था. वन ईयर में कॉलेज डे टू डेज था, उसमें रैंप वॉक को डाल दिया. रैंप वॉक में चलते हैं तो वहाँ से फुल मुझको कोई पता ही नहीं कौन कौन है करके, वहाँ की फ़ोटो फोटो मैं कि तुम कौन हो करके फोटो फोटो करके पूछते हैं. फिर देन क्या हुआ, टू डेज था कॉलेज डे. फिर आके हमारा कुछ सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो गया था, उसमें भी मेरा देखो लग 10 लड़कियाँ, मैं एक लड़का बीच में. वहाँ भी कोई भी नहीं आया सपोर्ट के लिए. और टोटल बॉयज़ कितने थे एक्सपेक्ट करो पूरे कॉलेज? 30 बॉयज़, कॉमर्स आर्ट्स साइंस के तीनों मिला के, आर्ट्स के चार हम, कॉमर्स के एक सात और कंप्यूटर साइंस के दो, बाकी के पूरे साइंस के. फिर आके हमको पैसे था, मतलब जैसे फ्लावर के गार्डन में जाते हो ना, रंग बिरंगे फूल रहते हैं, कोई भी फूल जाके उठा लो तुम्हारा ये फूल. मैं उस गार्डन का ये था, माली था, तो मैं कोई भी जाके फूल उठा सकता हूँ. इतना एन नंबर ऑफ फ्रेंड्स, कोई भी फूल देख सकते, पर इंटरेस्ट नहीं था वो फूलों में क्योंकि नहीं ले लिया तो फिर आके अच्छा ये इसका है, अच्छा वो इसका है, तो शक्ति के साथ रहना थोड़ा बहुत, समझ रहे हो ना, शक्ति से रहना. फिर आके वहाँ पे भी मुस्लिम बॉयज़, मुस्लिम वहाँ भी मुझको भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, दो ही थे, कॉमर्स में एक था, आर्ट्स में मैं एक था. फिर आके वहाँ भी वो ज़्यादा आता नहीं था कॉलेज तो मुझको, तो पूरे मुस्लिम गर्ल्स ज़्यादातर मेरी तरफ ही आते थे, वहाँ भी मैंने स्कोर ज़्यादा किया. उधर पता नहीं कोई अनम लाड नाम की लड़की आ गई, आके पूछती है सिंगल हो, ये हो, वो हो. फिर हम उनको पसंद ही नहीं था बात करने, फिर भी आके ज़बरदस्ती तुम क्यों नहीं बात करते, ये वो करके सिर खराब करते. लड़कियों से बात करने के लिए हम छुटकारा पाते थे, दूसरे लड़के लोग दूसरे को, हमारे इसमें इतने लड़कियाँ आए ना पूछते, हमको लड़कियाँ नहीं चाहिए थी
अभी कंपेयर करो वहाँ से इधर, अभी मेरे क्लास में कितने लोग, तीन लोग, तीन लोग लड़के, अभी मुझको यहाँ मजा आ रहा है उधर से ज़्यादा कंपेयर करें। फिर के बॉयज हॉस्टल में तो कंपेयर करें तो मुझको बॉयज के साथ ही बेस्ट दिखा लड़कियों से ज़्यादा। गलत मतलब नहीं, लड़कियां का मतलब ऑल टाइप ऑफ गर्ल्स पता चला कैसी कैसी लड़कियां रहती है, लड़कियों का पूरा मैंने हिस्ट्री जान लिया, ये लड़की ऐसी लड़की वैसी लड़की। तो अभी अभी एक लड़की के बारे में बोल देता हूँ सबको, तो लड़कियों का अभी कुछ जानना ही नहीं, बॉयज के साथ ही बेहतर लगता है। एक शायरी बोल के खत्म कर देता हूँ। इरशाद, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो।